वेल बडीज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वंस अगेन आई एम हैड टू टेल यू स्ट्रक्चर। तो गाइज, आज फिर मैं आप लोग के सामने आम जिंदगी की ऐसी सिचुएशन को लेकर आया हूँ जो हर किसी के साथ होता है, जो हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा आ रही होती है लेकिन छोटे छोटे सेंटेंस बोलने में इंसान अटक जाता है, नहीं बोलता। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे फील लाइक के बारे में। फील लाइक होता क्या है गाइज, इसकी सिचुएशन देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। उसके पहले गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएं। सो गाइज, मैं आज बात करने वाला हूँ फील लाइक के बारे में। फील लाइक होता क्या है गाइज, मैं आपको सिचुएशन के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है, इंसान कहता है कि यार मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है या फिर बोलता है मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, किसी चीज़ का मन कर रहा है या मन नहीं कर रहा है, तो इस तरह की जब भी हमारे सामने सिचुएशन आती हैं तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं फील लाइक का। गाइज, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद फील लगाएंगे, और फील प्रेजेंट में जब भी किसी चीज़ का मन कर रहा है तो फील के साथ आप लगाएंगे आई, यू, वी, दे, इस तरह के जो भी प्लूरल वर्ड होंगे उसको आप लगाएंगे फील के साथ। अगर बात आती है फील्स की, तो फील्स बोले तो ही, शी, इट कोई सिंगुलर व्यक्ति है तो उसके साथ आएगा। और अगर यहाँ बात आ गई पास्ट की, तो आप फील का सेकंड फॉर्म फील्ड बना देंगे, और उसके बाद आएगा आपका लाइक लगाएंगे, और लाइक के बाद आप एक्शन बोले तो, और ऑब्जेक्ट जो लास्ट में रहेगा उसको आप लगाएंगे। ठीक, जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सर मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो अब देखिए मेरा मन कर रहा है, आप हिंदी में मत जाइएगा। इस हिंदी जो होती है, हम लोग रहा रही हिंदी में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है हिंदी को देख करके बात करते हैं कि मन कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वहाँ हिंदी में मत जाइए। आप डायरेक्ट जो अंग्रेज़ों की जो स्टाइल होती है गाइज, वो इंग्लिश के थ्रू चलती है और इंग्लिश के थ्रू वो लोग मानते हैं। जैसा एग्जाम्पल, मैंने कहा सर कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो अब इसको किस तरह बोलेंगे, आप बोलेंगे आई फील लाइक, यानी कि इंग्लिश टेक, और टेक में लगा देंगे आप आईएनजी, आई फील लाइक टेकिंग टी। इसी तरीके से मैंने कहा सर कि मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई फील लाइक टेकिंग टी। इसी तरीके से मैंने कहा सर कि मेरा इंग्लिश पढ़ाने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई फील लाइक टीचिंग इंग्लिश। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सर मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई फील लाइक राइडिंग बाइक। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर बात आएगी थर्ड पर्सन की, मैंने कहा सर उसका चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही फील्स लाइक टेकिंग टी। उसका पढ़ाई करने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक स्टडिंग। उसका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही फील्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से गाइज, अगर मैं आऊँ पास्ट के बारे में, मैंने कहा सर कि मेरा ऑफिस जाने का मन कर रहा था, तो आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक गोइंग टू ऑफिस। मेरा डांस करने का मन कर रहा था, आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक डांसिंग। इसी तरीके से मैंने कहा सर कि मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा था, तो आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक मेकिंग वीडियो या फिर शूटिंग वीडियो। कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसी तरीके से गाइज, मैं आता हूँ अब आपके निगेटिव में। अब बात करते हैं जब भी अगर आपका किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा है तो आप किस तरह बोलेंगे। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा गाइज, मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, यू, वी, दे, आई, कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद डोंट लगाएंगे, और डोंट के बाद फील लाइक, और एक्शन बोले तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा सर कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक स्टडिंग। ठीक, इसी तरीके से मैंने कहा सर कि मेरा हिंदी बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग हिंदी। इसी तरीके से मैंने कहा सर आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस टुडे, या फिर टुडे आप फर्स्ट में भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा डजन आ जाएगा। जैसा मैंने कहा सर उसका खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे शी डजन फील लाइक कुकिंग फूड। मैंने कहा सर उसका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही डजन फील लाइक टीचिंग। कुछ भी चीज़ गाइज आप बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि उसका डांस करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही डजन फील लाइक डांसिंग। मैंने कहा सर उसे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही डजन फील लाइक स्टडिंग। मैंने कहा सर उससे पैदल चलने का मन नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे ही डजन फील लाइक वॉकिंग ऑन फूट। इसी तरीके से गाइज, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन बनाने की, इंटरोगेटिव की बात करूँ, तो आप किस तरह बोलेंगे। जैसा आपका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होगा। अब जो डू डज है उसको आप पहले लगा देंगे, डू डज डिड जो रहेगा आप उसको सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको रखने को फील लाइक, फील लाइक के बाद एक्शन, एक्शन आएगा और एक्शन में आईएनजी वाला फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक,
मैं बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा सर क्या आपका चाय पीने का मन कर रहा है, डू यू फील लाइक टेकिंग टी, हाँ मेरा मन कर रहा है, यस आई फील लाइक टेकिंग टी। मैंने कहा सर क्या आपका इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है, डू यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ मेरा मन कर रहा है, आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं ठीक। मैंने कहा सर क्या उसका खेलने का मन कर रहा है, तो आप बोलेंगे डज ही फील लाइक प्लेइंग, हाँ उसका मन कर रहा है, ही फील्स लाइक प्लेइंग उसका। मैंने कहा सर क्या आपका डांस करने का मन कर रहा था, तो आप बोलेंगे डिड यू फील लाइक डांसिंग, हाँ मेरा मन कर रहा था, आई फेल्ट लाइक डांसिंग। इसी तरीके से मैंने कहा सर क्या आपका मुझसे बात करने का मन कर रहा था, तो आप बोलेंगे डिड यू फील लाइक टॉकिंग टू मी, हाँ हाँ मन कर रहा था आपसे बात करने का, तो आप बोलेंगे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। गाइस कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी सेंटेंस है और बहुत ही ज्यादा बोला जाता है, आपने देखा होगा सिचुएशन के साथ मैंने आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, नाउ टेक केयर।